हाय गाइस, एक बार फिर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड या आरबीएसई बोर्ड दोनों का जो मिक्सअप सिलेबस चल रहा है हमारा, तो मैं 12th क्लास का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, 12th क्लास का इंग्लिश का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में मैं लोग एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले मैंने क्या किया था, मैंने कई चैप्टर्स की समरी मैंने डाल दी है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैं रीड के एग्जाम में थोड़ा सा बिजी था, लेकिन हमारे पास अभी काफ़ी टाइम है, तो मैंने पहले समरी डाली थी। अब मैं क्या करूँगा, जिस प्रकार आप स्कूल में क्लासेस में या ट्यूशन में आप पढ़ते हैं ना, तो लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन कर देते हैं, तो मैं पूरा डीपली स्टेंजा के हिसाब से एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि लॉस्ट स्प्रिंग में एक्चुअली में दो पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं आपके? दो पार्ट हैं। तो एक पार्ट की, आज पहले वाले पार्ट की हम लोग हिंदी में क्या देखेंगे, एक्सप्लेन देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको आराम से समझना है, और इस चैप्टर के बाद कोई भी दिक्कत आए तो आपको कमेंट करके भी बताना है। इससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, हमारा YouTube चैनल, सेकंड YouTube चैनल HSR Completion Team, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि कंपटीशन के क्षेत्र में हम लोग एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद करने के लिए तैयार हो गए हैं, ठीक है। और हम कंपटीशन में भी हम क्रांति लाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों को विशेष तौर पर देखना है। तो सेकेंड चैप्टर है हमारा लॉस्ट स्प्रिंग, इसके जो राइटर बोल सकते हैं वो है अनीस जंग। कौन है? अनीस जंग। तो हम पहले पैर आपसे देखते हैं, समरी मैंने अपलोड कर दी, आप प्लेलिस्ट में जाएं और समरी को देख सकते हैं। तो पहली स्टोरी है, समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन दी गार्बेज। कभी कभार गार्बेज में, गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट, कूड़े करकट के ढेर में मेरे को एक रुपये भी मिल जाता है। ये स्टोरी का टाइटल है, क्या है स्टोरी का, क्या है टाइटल है, शीर्षक है कि समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन दी गार्बेज। कभी कभार मेरे को गार्बेज में क्या मिल जाता है, एक रुपया मिल जाता है। अब पहला पैराग्राफ अब शुरू हो रहा है। वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो, ठीक है। वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क, मैं पूछती हूँ, साहेब किससे, साहेब से। हुम माने जो। आई एनकाउंटर, एनकाउंटर मीन्स मिलना। एवरी मॉर्निंग माने प्रत्येक सुबह। स्क्राउंजिंग माने ढूंढता हुआ। फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड, जो साहेब नाम का व्यक्ति है वह मेरे पड़ोस में कूड़ा करकट के ढेर में, डम्स मीन्स ढेर, कूड़ा करकट के ढेर में, गोल्ड का सेंस है यहाँ रुपए, गोल्ड का सेंस क्या है रुपए, वो मेरे पड़ोस में कूड़े करकट के ढेर में रुपए ढूंढता हुआ मेरे को मिलता है। तो मैं उससे पूछती हूँ तुम ऐसा क्यों करते हो। कौन पूछ रही है, जो राइटर है वो पूछ रही है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब ने बहुत लंबे समय पहले अपने घर को छोड़ दिया था, अपने घर को छोड़ दिया था। सेट अमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढांगा, हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, उसका घर कहाँ था बता रहा है कि सेट अमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढांका, ढांका के जो हरे भरे, ढांका क्या है बांग्लादेश की राजधानी है, ढांका के हरे भरे मैदानों के बीच में उसका घर था, उस घर को साहेब ने छोड़ दिया है। हिज होम, उसका घर, इज नॉट इवन ए डिस्टेंट, डिस्टेंट माने दूर की, मेमोरी माने याद या स्मृति, अब उस घर के बारे में कोई दूर की भी याद नहीं है, दूर की भी स्मृति नहीं है, अर्थात साहेब ने अपने घर को छोड़ दिया है और दूर दूर तक अपने घर को भी याद नहीं करता है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहाँ बहुत तूफान आते थे, दैट स्वेप्ट अवे, जो स्वेप्ट माने बहकर ले जाना, देयर फील्ड्स एंड होम्स, वहाँ बहुत तूफान आते थे जिससे उनके घर और उनके खेत बह जाया करते थे। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी मम्मी उसको ऐसा बताती हैं, दैट इज़ वाई, यही रीज़न था, यही कारण था कि दे लेफ्ट उन्होंने छोड़ दिया, और लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और जहां वो अब रहते हैं और उस पैसे की तलाश में इस बड़े शहर में वो आ गए हैं,
ठीक है, यही रीजन था उसने अपने घर को छोड़ा और पैसे की तलाश में इस बड़े शहर में आ गई। कहाँ पे आ गए थे? दिल्ली में। मैं समरी में सब कुछ बता दिया है, समरी को आप जाके देखें। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे। लुकिंग अवे माने निगाह बचाते हुए, और निगाह बचाते हुए मटर्स मीन्स बड़बड़ाता है, मटर मीन्स बड़बड़ाता है कि इसके अलावा मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है। ठीक है, आगे देखें। गो टू स्कूल, राइटर उससे बोल रही है गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। आई से मैं उससे कहती हूँ, ग्लीवली, ग्लीवली मीन्स चतुराई से, मैं उससे चतुराई से कहती हूँ स्कूल जाया करो। रियलाइजिंग और तुरंत महसूस भी करती हूँ, रियलाइजिंग माने महसूस करना, इमिडिएटली मीन्स माने तुरंत। हाउ हॉलो, हॉलो मीन्स खोखली, द एडवाइस मीन्स सलाह, मस्ट साउंड कि जब मैं उससे बोला कि तुम स्कूल जाया करो तो मेरी सलाह उसको कितनी खोखली लगी होगी, ये तुरंत ही राइटर ने क्या किया, फील किया। There is no school in my neighborhood. उसने बोला कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। When they build one, जब वे वहाँ कोई स्कूल बन जाएगा या कोई स्कूल वहाँ बनवा देगा तो I will go, तो मैं वहाँ जाया करूँगा। If I start a school, right, जिससे लेखक आए हैं वो क्या करेंगे, If I start a school, यदि मैं स्कूल शुरू करूँ तो Will you come, क्या तुम आओगे। I ask half joking, मैं आधे मन से अर्थात मैं मजाक में उससे बोलती हूँ कि मैं स्कूल शुरू करूँ तो क्या तुम वहाँ पर आओगे। Yes, वो कहता है हाँ। He says, वह कहता है हाँ। स्माइलिंग ब्रॉडली, बहुत ही अच्छी तरह से हंसकर, अर्थात बहुत जोर जोर से हंसकर वो कहता है हाँ पक्का आप स्कूल बनवाओगी तो मैं मैम अवश्य वहाँ पे आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैं उसको अपने पास आते हुए देखती हूँ और मेरे से क्या बोलता है आके, इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, स्कूल बनने में बहुत लंबा समय लगता है। आई से, मैं कहती हूँ, और एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड मीन्स शर्मिंदा होना, एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, और मैंने उससे जो वायदा किया था उस वायदे पे मैं थोड़ी सी शर्मिंदगी फील करती हूँ। दैट की वाज नॉट मीन्ट, अर्थात लेखिका ने उससे वैसे ही क्या कर दिया, वायदा कर दिया था मजाक में, तो वो कह रही है कि मैंने उससे जो वायदा किया था उस पे मैं शर्मिंदगी महसूस करती हूँ क्योंकि स्कूल बनने में तो काफ़ी टाइम लगता है। बट प्रोमिसेस लाइक माइन, मेरी तरह जो वादे हैं ना, अवाउंड माने पड़े होंगे, इन एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कोने में, ऑफ इस ब्लीक, ब्लीक माने उजड़े हुए वर्ल्ड, मेरे ऐसे कितने वादे उसके उजड़े हुए संसार में पड़े होंगे, अर्थात मेरे ऐसे वादे कितने लोगों ने उससे किए होंगे। आगे देखें। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीनों उसके बारे में जानने के बाद, यानी कई कई महीनों का टाइम हो गया उसको जानने लगी थी लेखिका, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीनों के जानने के बाद, आई आस्क हिम इज नेम, मैं उसका नाम पूछती हूँ, तब वो बताता है साहेब ए आलम, ही अनाउंसेस, वह कहता है कि मेरा नाम क्या है, साहेब ए आलम है। ठीक है, वो ऐसा कहता है। He does not know, वो नहीं जानता है what it means, के उसके नाम का मतलब क्या है, वो नहीं जानता है। If he knew its meaning, Lord of Universe, अगर वो जान जाए ना कि साहिबे आलम का अर्थात उसके नाम का मतलब क्या होता है, कि Lord of Universe होता है, क्या होता है, Lord of Universe, यूनिवर्स का भगवान, उसके साहिब किसका, उसके नाम का क्या था, मतलब था। इन क्वेश्चंस को याद रखना, क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकता है, पूछ सकते हैं कि उसके नेम का मतलब क्या था, तो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, ही वुड हैव ही हार्ड टाइम बिलीविंग इट, और लेखिका कह रही है कि जब उसको अपने टाइम, अपने नेम के मतलब के बारे में पता चल जाएगा ना, तो उस बेचारे को भी बिलीव नहीं हो पाएगा कि उसके नाम का मतलब क्या है, कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। क्लियर, अब तो बेचारा गरीब था। आगे देखें।
अनअवेयर ऑफ व्हाट इज नेम रिप्रेजेंट, उसके नाम का मतलब क्या है, उससे अनजान होकर ही रोम्स, रोम्स माने घूमता है द स्ट्रीट्स मीन्स गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स वो अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता है, एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, बेयर फुट माने नंगे पैर वाले लोगों का समूह, हु अपीयर जो प्रतीत होता है लाइक द मॉर्निंग वर्ड्स, जो कि सुबह के जो पक्षी होते हैं ना, सुबह की पक्षियों की तरह, वो छोटे छोटे बच्चों का समूह, नंगे पैर वाले बच्चों का समूह गली में क्या होता है, पक्षियों की तरह प्रतीत होता है, एंड दिस अपीयर एट नून, और दोपहर में वो गायब हो जाते हैं, यानी सुबह के टाइम तो वो गलियों में आते हैं सभी बच्चे और दोपहर में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, कई महीनों के बाद, आई हैव कम टू रिकोगनाइज ईच ऑफ देम, मैं उन बच्चों में से प्रत्येक बच्चे को पहचानने लगी थी, ये लेखिका कह रही हैं उन बच्चों के बारे में। आगे ध्यान दें, वाई आरंट यू वियरिंग ए चप्पल्स, आई आस्क वन, लेखिका एक लड़के से कहती हैं कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो वो क्या रिप्लाई दे रहा है कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम दी सेल्फ, सेल्फ मीन्स होता है ताड़, कैसे बोलते हैं जो बालकनी टाइप का ताड़ वगैरह होता है उसे बोलते हैं, कि मेरी मम्मी जी ने उनको सेल्फ से अर्थात ताड़ से उतारा नहीं है। ही आंसर्स सिंपली, वो क्या करता है बहुत ही आसानी से उत्तर देता है कि मैं चप्पल इसलिए नहीं पहनता हूँ कि मेरी मम्मी जी ने सेल्फ से उनको उतारा नहीं है। इवन इफ सी डिड, अगर वो ऐसा कर दें तो ही विल थ्रो देम ऑफ, तो उनको फेंक देगा, एट्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, एक दूसरा लड़का कहता है अगर उसकी माँ ऐसा कर दें चप्पलों को उतार दें तो वो फेंक देगा। कौन सा लड़का बोलता है, ऐसा लड़का बोलता है जो उसने शूज पहन रखे थे जो कि नॉट मैच, अर्थात दो प्रकार के शूज पहन रखे थे, दोनों एक ही जोड़ी के जूते नहीं थे। वो लड़का उत्तर देता है अगर मैम जी, अगर इसकी मम्मी जी चप्पलों को उतार देंगी ना तो वो क्या कर देगा, ये फेंक देगा। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं उसके जूतों पे कमेंट करने वाली थी तो ही सपल्स, सपल्स मीन्स घसीटना, हिज फीट, तो वो अपने पैरों को घसीटने लगता है, आगे पीछे करने लगता है, एंड सेज नथिंग, और कुछ भी नहीं कहता है। आई वांट शूज, मेरे को जूते चाहिए, सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरा लड़का कहता है कि मेरे को जूते चाहिए, हु हैज नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ हिज लाइफ, एक ऐसा तीसरा लड़का जिसने अपने पूरे जीवन में एक जोड़ी जूते उसके पास नहीं रहे थे, वो कह रहा है कि मेरे को जूते चाहिए। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, कंट्री में यात्रा करते समय, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग द बेयर फुट इन द सिटीज ऑन ब्लेज रोड्स, लेखिका कह रही हैं कि मैंने गांवों के रोडों पर, शहरों के रोडों पर छोटे छोटे बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, इसका रीज़न ये नहीं है वो नंगे पैर घूम रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे की कमी है। वट ए ट्रेडिशन टू से स्टे बेयर फुट, कुछ लोगों की नंगे पैर रहने की क्या है परंपरा है। हिज वन एक्सप्लेनेशन, एक लड़का उत्तर देता है कि ऐसा हम नंगे पैर रहते हैं तो ऐसा कोई रीजन नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, कि क्या है ये हमारी तो परंपरा है। आई वंडर, मैं अचंभित होती हूँ, इफ दिस ओनली एन एक्सक्यूज, ये केवल बहाना है टू एक्सप्लेन, व्याख्या करने का, अबे माने दूर, ए परपिचुअल, परपिचुअल माने लगातार जो बनी हुई है, स्टेट माने स्थिति और पॉवर्टी माने गरीबी, अर्थात जो गरीबी की स्थिति उन बच्चों पे बनी हुई है, जो बच्चे गरीब है ना उस गरीबी को दूर करने के लिए केवल वे बहाना ढूंढते हैं कि हमारे पास मैम जी चप्पलों की तो मतलब पैसों की कमी नहीं है लेकिन हमारी यहाँ परंपरा है, अर्थात वो क्या है वो मैम को क्या दे रहे हैं, मैम को बहाना बता रहे हैं कि हम चप्पल नहीं पहनते क्योंकि हमारी परंपरा है, लेकिन ऐसा नहीं थी, वास्तव में बहुत ही वो गरीब थे इस वजह से वो चप्पल नहीं पहन पाते थे। क्लियर, आगे ध्यान दें, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज आप लोग लाइक करें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर भी आप लोग करें। अगला देखें,
अब यहाँ पर क्या है, लेखिका को एक कहानी याद आती है जो कि एक व्यक्ति ने सुनाई थी, उस कहानी के बारे में लेखिका एक्सप्लेन कर रही हैं। आई रिमेम्बर, मुझे याद आती है ए स्टोरी, एक कहानी, ए मैन, एक व्यक्ति की, फ्रॉम यूडीपी, यूडीपी वंस टोल्ड मी, यूडीपी की एक कहानी उस लेखिका को याद आती है जो उस कहानी के बारे में एक व्यक्ति ने उनको बताया था। मतलब एक व्यक्ति ने कहानी बताई थी इस लेखिका को, कहाँ की कहानी थी, यूडीपी की कहानी थी, वही कहानी लेखिका को अब याद आती है। एज ए यंग बॉय, एक छोटे से लड़के के रूप में जिस व्यक्ति ने कहानी सुनाई थी उसके बताएं, एज ए यंग बॉय, एक छोटे से लड़के के रूप में, ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाया करता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक मंदिर से गुजरकर वो स्कूल जाया करता था, वेयर इज फादर वाज ए प्रेस्ट, जहां पर उसके पिताजी कौन थे, पुजारी थे, और ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, और मंदिर पे कुछ समय के लिए वो रुक जाया करता था, एंड प्रे, और प्रार्थना किया करता था, फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और जूतों की जोड़ी के लिए प्रार्थना करता था भगवान से कि मेरे पास जूतों की जोड़ी आ जाए। 30 years later, 30 साल के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके कस्बे में जाती हूँ, मतलब 30 साल हो गए उस कहानी को, तो लेखिका 30 साल के बाद उसके कस्बे में जाती हैं, एंड द टेम्पल, और उस मंदिर के पास जाती हैं, विच वॉज नाउ ड्राउंड, मीन्स डूब गया था, इन द एयर ऑफ डिसोल्यूशन, एयर ऑफ डिसोल्यूशन मतलब उजाड़, अर्थात वो उजड़ गया था मंदिर, अर्थात वो हुवड़ खावड़ मंदिर वो बन गया था 30 सालों के बाद। इन द बैकयार्ड, उस के आंगन में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रेस्ट, अब नया पुजारी रहता था, और देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और लाल और सफेद चेयर वहाँ पड़ी हुई थी, जब लेखिका 30 साल के बाद वहाँ पे पहुँचती हैं। तो ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा सा लड़का जिसने ग्रे यूनिफॉर्म को पहन रखा था, बियरिंग सॉक्स एंड शूज, जूते मोजे उसने पहन रखा था, अराइव्ड, आया, पेंटिंग मीन्स पेंटिंग होता है हाँपते हुए, वो हाँपते हुए वहाँ आता है, एंड थ्रू इज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, और फोल्डिंग बेड पर अपने बैग को, स्कूल बैग को फेंक देता है। जब लेखिका वहाँ इस मंदिर पर पहुँचती हैं तो एक लड़का आता है हाँपते हुए और इस और अपने स्कूल बैग को फोल्डिंग बेड पर फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, लड़के की ओर देखते हुए, आई रिमेम्बर, मेरे को याद आता है, द प्रेयर अनदर बॉय, मेरे को दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आती है, हैड मेड टू द गॉडेस, जिसने एक देवी से प्रार्थना की थी कि वेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, मतलब एक लड़के ने एक देवी से प्रार्थना की थी कि मेरे को एक जोड़ी जूते चाहिए, अंततः उसको लास्ट में एक जोड़ी जूते भी मिल गए थे। एक कहानी लेखिका को दोबारा से याद आ रही है। Let me never lose them, इनको मैं कभी भी खोऊंगा नहीं, the goddess had granted his prayer, क्योंकि उस देवी ने उसकी प्रार्थना को क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। वही लड़का बोला कि अब देवी माँ की कृपा से मेरे को जूते मिले, इनको मैं कभी भी खोऊंगा नहीं। यंग बॉयज, लेकिन लेखिका क्या कह रही है, यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रेस्ट, पुजारी के लड़के की तरह, Now wore shoes, यंग जो लड़के हैं ना, और पुजारी का लड़का ना, उसकी तरह यंग जो लड़के हैं वो जूते पहनते हैं। बट लेकिन मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स मीन्स कूड़ा करकट बीनने वाले, इन माई नेबरहुड, लेकिन मेरे पड़ोस में जो कूड़ा करकट बीनने वाले कई लड़के हैं ना, रिमेन शूजलेस, वो बिना शूज के ही रहते हैं। ये सब कुछ कहानी में उन्होंने बताया है, पर अंत में दो लाइनों में उन्होंने इस डिस्क्राइब भी किया है कि पुजारी के लड़के को जूते मिल गए थे, और जिस बंदे ने प्रार्थना की देवी से उनको भी जूते मिल गए थे, और काफी लड़के जूते पहनते हैं, लेकिन मेरे पड़ोस में जो कूड़ा करकट बीनने वाले लड़के हैं ना, वो बिना जूतों के ही रहते हैं। इज दैट क्लियर? पांचवा पैराग्राफ देखें। माई एक्विस्टेंस, एक्विस्टेंस मींस होता है परिचय, विद द बेयरफुट रैग पिगर्स,
अर्थात मेरा जो परिचय किससे हो गया था, जो नंगे पैर कूड़ा करकट वाले व्यक्तियों से, लड़कों से हो गया था ना मेरा परिचय, तो लीड्स मी, मेरे को ले जाता है टू दी सीमापुरी। अर्थात वो लोग कहाँ रहते थे, दिल्ली की सीमापुरी में रहते थे। जब उस लेखिका का उन लड़कों से परिचय हो जाता है तो लेखिका कहाँ जाती हैं, सीमापुरी में जाती हैं, कि एक्चुअली में देखना चाहती हैं कि वहाँ होता क्या, कैसे वो लोग रह रहे होते हैं। अब प्लेस सीमापुरी एक जगह है ऑन दी पेरिफेरी, पेरिफेरी में होते हैं सीमा ऑफ दिल्ली, दिल्ली की क्या है कि दिल्ली की एक सीमा पर स्थित है, दिल्ली की सीमा पर कौन स्थित है, सीमापुरी स्थित है, वहाँ लेखिका जाती हैं। यट माइल्स अवे, वो काफ़ी दूर है फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली में लाक्षणिक रूप से, ये होता है एक रूपक रूप से, अर्थात एक अगर तुलना की जाए तो तुलना के हिसाब से देखा जाए तो सीमापुरी दिल्ली से काफ़ी मीलों दूर है, वो ये कहना चाह रही हैं। अब कहाँ पहुँच गई हैं, वो सीमापुरी पहुँच गई हैं। Those who live here are squatters. सीमापुरी जाके कहती है ना कि वे लोग जो वहां रहते हैं ना आर स्क्वेटर, स्क्वेटर्स मतलब होते हैं बसिंदे, अर्थात गैर कानूनी जगह, अर्थात गैर कानूनी जगह हम लोग बोल सकते हैं स्क्वेटर्स, क्या होता है गैर कानूनी जगह, वे लोग वहां रहते हैं ना तो गैर कानूनी जगह पर रहते हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो बंदे 1971 में बांग्लादेश से कहां आ गए थे, सीमापुरी में आ गए थे, वो अब गैर कानूनी जगह पर रहते हैं। लेखिका वहां जाके ऐसा देखती हैं। साहिब्स फैमिलीज एमंग देम, साहिब का परिवार भी उनमें से एक है। और सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, उस समय सीमापुरी क्या था, उजाड़ था, अर्थात सुनसान रहता था, वाइल्डरनेस में सुनसान रहता था, उस समय कुछ नहीं था पहले समय, लेकिन इट स्टिल यस अब भी ऐसा सुनसान है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वो खाली नहीं है। सीमापुरी की कह रही है, सीमापुरी पहले सुनसान रहता था, उजाड़ रहता था, अब भी खाली है, मतलब अब भी उजाड़ है, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ लोग अब रह रहे हैं, पहले कोई लोग वहाँ पे नहीं रह रहे थे। अब सीमापुरी बता रहे हैं वहाँ घर वगैरह कैसे बने हुए थे। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, मड होती है कीचड़, मिट्टी, मिट्टी का स्ट्रक्चर था, मिट्टी की दीवारें बनी हुई थी। विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टर्पुलून, मतलब तरपाल और टिन की छतें बनी हुई थी। डिवॉइड ऑफ सीवेज, सीवेज होता है बड़ा नाला था, लेकिन उसमें पानी निकासी का स्थान नहीं था। ड्रेनेज क्या थी, नालियाँ थी। और रनिंग वाटर, अर्थात चारों तरफ पानी बह रहा था, सीवेज था, नालियाँ थीं। डिवॉइड का अर्थ होता है ऐसी नालियाँ और ऐसा बड़ा नाला था जिनसे पानी पास नहीं होता था, चारों तरफ पानी पानी था। और लिव रहते थे 10,000 रैग पिगर्स, और इस बीच ऐसी कंडीशन में 10,000 कूड़ा करकट बीनने वाले लोग वहाँ पर रहते थे। यहाँ क्वेश्चन बनेगा ट्वेल्थ क्लास में क्वेश्चन वही बनेगा कि कितने लोग सीमापुरी में रहते थे, कूड़ा करकट बीनने वाले कितने लोग रहते थे, तो 10,000 रहते थे। बट आपको चिंता नहीं करनी है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। लास्ट में मैराथन क्लास लेके आया करूँगा, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर सब कुछ आपको मैं कराऊँगा। डोंट वरी, डोंट फियर, बिकॉज एच एस सर इज हियर, और डाल दो अपना एजुकेशन का गियर। आगे देखें, दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स। वे लोग वहां पर 30 सालों से ही अधिक समय से रह रहे हैं, लगभग 30 सालों का भी अधिक समय हो गया है उनको वहां रहते रहते, ना तो उनकी वहां पर उनकी कोई आइडेंटिटी है, पहचान नहीं है उनका वहाँ कोई भी, ना कोई परमिट है उस जगह पर रहने का, ना कोई परमिट है, ना कोई आइडेंटिटी है, और 30 साल से भी ज़्यादा समय रह गया है वो सभी कूड़ा करकट बीनने वाले लोग वहाँ पर रहते हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, समझ में कैसे नहीं आएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ ना। आगे ध्यान दें, बट माने लेकिन, विद राशन कार्ड्स, लेकिन भाई साहब नरेंद्र मोदी जी का राशन कार्ड उनको जरूर मिल गया है, ठीक है, बट लेकिन विद राशन कार्ड्स, लेकिन उनको वहाँ राशन कार्ड है उन सभी के पास, क्योंकि जब तक जियेंगे तो कुछ ना कुछ तो खाए और पियेंगे,
तो इसलिए उनको क्या मिल गया है, राशन कार्ड वहां मिल गया है। और दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, और राशन कार्ड उनको मिल गया है तो राशन कार्ड की वजह से उनका नाम किस में आ गया है, वोटर लिस्ट में आ गया है। यही हमारे जो नेता लोग होते हैं अब क्या है, उनका शोषण करते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, क्या क्या करेंगे, हम हमें आप वोट दो, आप जहाँ रह रहे हैं आप आपके आलीशान बंगले बनवा देंगे, लेकिन वहाँ कोई बंगले और टंगले कोई नहीं बनवाता है, सिर्फ उनका शोषण करके चले जाया करते हैं। आगे ध्यान दें, एंड इनेबल डैम टू बाई ग्रेन, वोटर लिस्ट में उनका नाम आ गया, उनके पास राशन कार्ड आ गया, जिससे वो कुछ अनाज वगैरह खरीद लेते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एंड आइडेंटिटी, वो लोग कहते हैं कि पहचान से ज़्यादा जीने के लिए कहाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पहचान महत्वपूर्ण नहीं लेकिन जो खाना है वो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। If at the end of the day, दिन के अंत तक we can feed our families, हम अपने परिवार को खाना खिला देते हैं and go to bed और सोने के लिए चले जाते हैं without an aching stomach, aching stomach होता है बिना किसी पेट दर्द के आराम से हम सो जाते हैं ना, तो ये हमारे लिए सब कुछ सही है। We would rather live here than in the fields that gave us no grain, वो कहते हैं कि हम यहाँ पर रहना पसंद करेंगे उन खेतों से ज़्यादा जो हमें कुछ भी नहीं देते थे खाने के लिए, अर्थात बांग्लादेश की बात चल रही है, बांग्लादेश से लोग आए थे, तो कहते हैं कि हम खेतों की अपेक्षा यहाँ रहना पसंद करेंगे, यहाँ कुछ ना कुछ तो हमें खाने के लिए मिलता है, वो खेत हमें खाने के लिए नहीं देते थे। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन, एक महिलाओं का समूह कहता है, इन टैटर्ड साड़ी, जो कि फटी हुई साड़ियों का समूह था, फटी हुई साड़ी उन्होंने पहन रखी थी महिलाओं ने, व्हेन आई आस्क देम, जब उनसे पूछती हूँ कि व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, उन्होंने अपने सुंदर खेतों को, हरे भरे खेतों को और नदियों को क्यों छोड़ दिया। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी, अभी वो क्या करती हैं कि वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी उनको खाना मिलता है ना, तो दे पिच देयर टेंट, तो अपने टेंट को वहाँ पे वो गाड़ लेते हैं, तम्बू को गाड़ लेते हैं, और दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, ट्रांजिट होम्स मीन्स अस्थाई घर, और तम्बू गाड़ के अपना अस्थाई घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे भी उनके साथ बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, सर्वाइवल जीविका, और बच्चे भी उनकी जीविका का हिस्सा बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन से रैग पिकिंग, और सीमापुरी में जीने का मतलब के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, क्या, कूड़ा करकट बीनना, कूड़ा करकट बीन लेंगे तो कुछ खा लेंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं खा पाएंगे। थ्रू द ईयर्स, कई सालों से इट हैज़ एक्वायर्ड, प्राप्त कर लिया है द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, जिस प्रकार सीमापुरी में कूड़ा करकट लोग बीन रहे हैं ना, तो उसने एक ललित कला का रूप ले लिया है, वो कहना चाह रहा है, ठीक है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कूड़ा करकट का मतलब उनके लिए क्या है, पैसा है, कूड़ा करकट का मतलब उनके लिए क्या है, पैसा है। इट इज देयर डेली ब्रेड, वो कूड़ा करकट उनके लिए रोजाना का भोजन है। ए रूप ओवर देयर हेड्स, और उनके सिरों पर एक छत है। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूप, भले ही उनके खोपड़ी पर, उनके सिर पर भले ही कैसी छत है, भले ही वो लीक कर रही है, भले ही उसमें से टिप टिप बरसा पानी, भले इसका है पानी बरस रहा है, टिप टिप पानी बरस रहा है, लेकिन बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ ए इवन मोर, लेकिन बच्चे वहाँ खुश हैं क्योंकि हमारे सिर पे एक ऐसी छत तो है, भले ही उसमें से पानी टपक रहा है, लेकिन वो छत को, ऐसी छत के बावजूद भी बंदे वो खुश हैं, ऐसा राइटर, ऐसा लेखिका कहना चाह रही हैं, ठीक है। छठवां पैराग्राफ देखें, I sometimes find a rupee, even a 10 rupees note, साहिब says, साहिब कहता है, जब लेखिका साहिब से पूछती है, ये बता भाई जो कूड़े करकट में तू क्या ढूंढता है, तो वो क्या कह रहा है बताए, कि I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, कभी कभार कूड़े करकट के ढेर में मुझे एक रुपया या 10 रुपये भी मिल जाते हैं, साहिब ऐसा कहता है। और इज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंख चमक उठती हैं, बेन
यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन द हीप ऑफ गार्बेज, जब तुमको या किसी कूड़े करकट बीनने वाले को कूड़े करकट के ढेर में एक चांदी का क्या मिल जाए, सिक्का, तो उसकी आंखें चमक उठती हैं, अर्थात उसकी और इच्छा बढ़ जाएगी, यार तो यार मेरे को तो कूड़े करकट के ढेर में जाना है और कुछ ढूंढ के आना है। तो उन लोगों की इच्छाएं बढ़ गई हैं, कभी कभार तो वहां चांदी के सिक्के भी उनको मिल जाया करते हैं। यू डोंट स्टॉप ए स्क्राउंजिंग, अगर तुम्हें चांदी का सिक्का मिल जाए तो तुम पैसों को ढूंढना बंद नहीं करोगे, फॉर माने, क्योंकि देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि इससे उनकी और ढूंढने की क्या हो जाएगी, इच्छा बढ़ जाएगी। क्लियर। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है दैट की फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू द देयर पेरेंट्स, बच्चों के लिए कूड़ा करकट का मतलब अलग है और उनके माता पिता के लिए कूड़ा करकट का मतलब अलग है। यहां से क्वेश्चन बनेगा 100% यहां से क्वेश्चन बनेगा कि उस गार्बेज का मतलब बच्चों के लिए क्या है और माता पिता के लिए क्या है। सुने तो, फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए तो अचंभे में, रैप्ड मीन्स लेफ्ट मीन्स लिपटी हुई, इन वंडर माने अचंभे में, एस कूड़ा करकट का मतलब बच्चों के लिए तो एक ऐसी वस्तु से है जो कि किस में लिपटी हुई है, अचंभे के साथ एक वस्तु में लिपटी हुई है। फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए इट इज ए मीन्स सर्वाइवल, और बड़ों के लिए उस कूड़ा करकट का मतलब जीविका के लिए, रहने के लिए, अर्थात बच्चों के लिए तो कूड़े करकट का मतलब एक अचंभे में लिपटी हुई चीजों से है और बड़ों के लिए कूड़ा करकट का मतलब किससे है, जीविका से है, रहने के साधन से है। क्लियर। सातवां पैराग्राफ देखें। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दियों की सुबह, आई सी साहेब, मैं साहेब से पूछती हूँ, स्टैंडिंग बाई द फेंसिड गेट, फेंसिड गेट माने होता है चार दीवारी का गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, हमारे पड़ोस के क्लब के पास, जो एक चार दीवारी है ना, चार दीवारी के गेट के पास साहेब खड़ा था और लेखिका उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो। वॉचिंग टू यंग मैन, वो दो लड़कों को देख रहा था, दो व्यक्तियों को देख रहा था, ड्रेस्ड इन वाइट, जो कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और प्लेइंग टेनिस, और टेनिस खेल रहे थे, तो इन दो व्यक्तियों को कौन देख रहा था, साहेब देख रहा था, चार दीवारी के गेट पर खड़ा होकर। आई लाइक द गेम, मेरे को यह गेम पसंद है, ही हम्स, हम्स मीन्स वो बड़बड़ाता है कि मेरे को यह खेल पसंद है, और कंटेंट मीन्स माने संतुष्ट होता है, टू वॉच इट स्टैंडिंग बियाइंड द फेंस, और चार दीवारी के पीछे से खड़ा होकर उनको देख रहा है ना, तो उसको देख कर ही उसको बहुत ही सांत्वना मिल रही है, बहुत ही संतुष्ट मिल रहा है, क्योंकि अंदर तो वो नहीं जा सकता है, इसलिए उसको बहुत ही संतुष्टि वो मिल रही है। आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाऊंगा, When no one is around, जब कोई भी इस मैदान में चारों तरफ कोई भी कुछ भी नहीं होगा, कोई बंदा भी नहीं होगा, तो मैं अंदर जाऊंगा। He admits, और वो स्वीकार करता है, the gatekeeper lets me use the swing, और जो gatekeeper है इस मैदान का, जहाँ जो बच्चे खेल रहे हैं, वो बंदा मेरे को अंदर जाने देगा और झूले पे झूलने के लिए मना नहीं करेगा। क्लियर। तो देखें, इसका दो पैराग्राफ रह गए इसके। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहेब ने भी टेनिस वाले जूते पहन रखे हैं, दैट लुक स्ट्रेंज, जो कि विचित्र दिखाई दे रहे हैं, ओवर इज डिसकलर्ड शर्ट, डिसकलर्ड शर्ट का मतलब होता है उसकी गंदी शर्ट पर वो जूते बहुत ही बेहुदा दिखाई दे रहे हैं, एंड शॉर्ट्स, और किस पर, उसने जो कच्छा वगैरह पहन रखा है उस कच्छे के ऊपर वो जूते बहुत ही खराब दिखाई दे रहे हैं। समवन गेव देम टू मी, किसी व्यक्ति ने जूतों को मुझको दिया है, ही सेज, वह कहता है, इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो व्याख्या कर लेखिका को बताता है कि मैंने जो जूते पहन रखे हैं ना, ये जूते किसी व्यक्ति ने मेरे को दिए हैं। द फैक्ट, तथ्य ये है, फैक्ट ये है कि द फैक्ट दैट, फैक्ट ये है कि
दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, वो किसी धनी व्यक्ति धनी लड़के के फेंके हुए जूते हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, शायद जूतों में एक छेद हो गया था, इस छेद के वजह से किसी धनी व्यक्ति के लड़के ने उन जूतों को पहनने से मना कर दिया होगा और वो जूते किसने किसके पास आ गए, अब साहेब के पास में आ गए हैं। डज नॉट बॉदर हिम, वो कह रहा है कि इससे मेरे को कोई परेशानी नहीं है, कि जूतों में क्या हो रहा है, छेद हो रहा है, इससे मेरे को कोई भी परेशानी नहीं है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज विद ए होल इन इट इज ए ड्रीम ऑफ कम ट्रू, लेखिका कह रही है फॉर वन एक ऐसे व्यक्ति के लिए हु हैज वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज, वो बिना जूतों के क्या करता हो, घूमता हो, और विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, भले ही उसके पास जूते आए, कैसे भी जूते आए, चाहे उनमें क्या हो रहा हो, छेद हो रहा हो, तो ऐसे ही जूते आना उसके लिए कि सपने से कम नहीं है। बट माई लेकिन द गेम ही इज वॉचिंग, लेकिन जिस गेम को वो देख रहा है ना, सो इंटेंटली माने इतने ध्यान से, इज आउट ऑफ रीच, उस वह खेल उसकी पहुंच से बाहर है। ठीक है, अगर आप लोगों को प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, आप जानते हैं कि कितनी मेहनत इसमें होती है। क्लियर, तो अंतिम पैराग्राफ इसका देखें। दिस मॉर्निंग, इस सुबह साहेब इज ऑन इज वे टू द मिल्क बूथ, जो साहेब है ना वो अपनी मिल्क की दुकान पर जा रहा था, उस रास्ते में वो था। इन इज हैंड, उसके हाथों में इज ए स्टील कनेस्टर, एक स्टील का जो पीपा टाइप का होता है, तो उसके हाथों में स्टील का क्या था, कनिस्टर था। और आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, वो कहता है कि रोड पर चाय की दुकान है ना, उस पर मैं कार्य करता हूँ। ही सेज, हुआ कहता है, पॉइंटिंग इट द अपॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर से ही लेखिका को दुकान को बताता है कि रोड पर वो दुकान है ना, वो खोखा है ना, उस पर मैं कार्य करता हूँ। लेखिका से क्या कह रहा है फिर, आई एम पेड 800 rupees, मेरे को वहाँ पे 800 rupees मिलते हैं, एंड ऑल माई मील्स, और दिन भर का भोजन मेरे को मिल जाता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या तुम्हें जॉब पसंद है, आई आस्क, लेखिका उससे पूछती है। हिज फेस, उसके चेहरे से आई सी, मैं देखती हूँ, हैज लॉस्ट ऑफ केयर फ्री लुक, उसका जो केयर फ्री लुक था, एक ऐसा लुक था जो कभी चिंतित नहीं होता था, ऐसा लुक उसके चेहरे से गायब हो गया है, अर्थात वो अब चिंतित रहता है। द स्टील कनेस्टर सीम से हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जो स्टील का कनेस्टर है ना, अब उसको बहुत ही भारी प्रतीत होता है, किससे, जो प्लास्टिक का बैग वो अपने कंधों पर लटकाकर लेके आता था कूड़ा करकट बीनते समय, उससे ज़्यादा अब वो कनिस्तर उसके लिए बहुत ही भारी प्रतीत हो रहा है। द बैग वाज हिज, लेखिका कहती है बैग तो उसका ही है। द कनिस्तर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन जो कनिस्तर है ना, जो पीपा है ना, वो उस व्यक्ति का है हु ओन्स द टी शॉप, जो कि चाय वाला मालिक है, वो कनिस्तर उस मालिक का है। और साहेब इज नो लॉन्गर इज ओन मास्टर, और साहेब खुद का मालिक नहीं है। ठीक है, तो लॉस्ट स्प्रिंग का पहला पार्ट हम लोगों ने खत्म करा दिया है। ठीक है, अच्छी तरह से हम लोगों ने एक्सप्लेन देखा, लाइन बाय लाइन हिंदी देखी। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग समरी को अवश्य देखें, आप HSR चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट को आप लोग देखें और आप लोग समरी को पढ़ें। समरी पढ़ने के बाद आप इसको चैप्टर दोबारा से पढ़ना, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट हम लोग कल जल्दी ही रिलीज कर देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।